गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज के इस सेशन में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये पॉलिटी है, पॉलिटी सेशन है। और पॉलिटी सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम टॉपिक वाइज हर एक एमसीक्यूज को कवर करेंगे। मतलब कि आपको जो एमसीक्यूज हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं ये सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि एग्ज़ाम तक आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और आपका हर एक टॉपिक कवर हो और कम से कम समय में आप उन चीज़ों को रिवीजन कर सकें और अपने उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकें। सो आज का ये जो सेशन है ये पॉलिटी, और पॉलिटी में जो हम देखने वाले हैं ये हम महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ एंड संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, सो अभी आपको जो क्वेश्चंस दिख रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, 7, 8, 22 या 395, ठीक है। अगर मैं अनुसूचियों की बात करूँ, हमारे यहाँ भारत में जो अनुसूचियाँ रही हैं मूल संविधान में, मूल संविधान में हमारे यहाँ 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में बढ़ाया गया और बाद में बढ़ के ये हमारे यहाँ 12 अनुसूचियाँ हो गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। सो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, सो एग्जांपल में जो आपका ऑप्शन है ये है डी। लेकिन सिर्फ आपसे ये मतलब नहीं है कि हम एक ऑप्शन को देखें और इतने से हमारा काम हो जाए। सपोज दैट, अगर मान लीजिए एग्जांपल में आपसे ये नहीं पूछा गया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ये आपसे नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया, तो आप करने में सक्षम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता हो। सो एक बार हम अनुसूचियों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मूल संविधान में अनुसूचियों की, तो जो 8 अनुसूचियाँ थी मैं लिख दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। पहली अनुसूचियों में जो बताया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र एंड संघ क्षेत्र, ठीक। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका वेतन भत्ता, शपथ, राज्यसभा की सदस्यता किसकी, चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सदस्यता यानी उनकी सीटों का आवंटन किया गया है, पांचवा में एससी एंड एसटी के प्रशासन प्रशासन का उल्लेख किया गया है, और अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूं तो पांचवी अनुसूची में 10 राज्यों को शामिल किया गया है। कितने राज्य शामिल हैं? 10 राज्य शामिल हैं। वहीं अगर मैं छठवीं अनुसूची की मैं बात करूं तो ये एसटी के प्रशासन की बात करता है, प्रशासन की बात करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 4 राज्यों को शामिल किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक। वहीं अगर मैं सातवीं अनुसूची की बात करूँ तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अगर इस समवर्ती सूची के मैं बात करूं तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझिएगा। और यहां पे जो आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? भाषा को। हमारे यहाँ मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में हमारे यहाँ जो भाषाओं की संख्या हो गई वो है 22। अगर मैं बात करूँ वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो 14 जो हमारे यहाँ मूल भाषाएं थी वो तो हैं ही, इसके साथ ही साथ में 21वां संविधान संशोधन, 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 92 संविधान संशोधन। अगर मैं 21वें की बात करूँ तो 21वें में आपकी जो भाषा शामिल की गई ये है सिंधी। यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी मणिपुरी शामिल किया गया 71वां में, और 92 में शामिल किया गया बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो अगर मैं बात करूं 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 4 और 4 8, यानी 14 पहले थी और 8 बाद में, कुल हमारे यहाँ भाषाओं की संख्या है
वर्तमान में 22। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा संबंधी जो हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन हुए हैं वो 21वां संविधान संशोधन है सिंधी से, 71वां, एक जो हमारा 71 कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोंकड़ी है, मणिपुरी और इसके साथ ही में 92 बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये हमारे यहाँ जो 8 मूल थी। इसके बाद में जो हमारे यहाँ बढ़ाया गया, यानी मीन अगर मैं बात करूँ 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करूँ तो प्रथम संविधान संशोधन में संपत्ति अधिग्रहण को संपत्ति संबंधी विषय कानून को लागू किया गया। संपत्ति संबंधी विषय कानून को 9वीं अनुसूची में लागू किया गया। अगर मैं 9वीं की बात करूं प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं की मैं बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल को शामिल किया गया। इसकी मैं अगर 11वीं की मैं बात करूं तो इसमें स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया, स्थानीय स्वशासन। अगर मैं 11वीं अनुसूची की बात करूं तो 11वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, वहाँ पे भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया और स्थानीय स्वशासन में ही 29 विषयों को शामिल किया गया। इसी के साथ ही में अगर मैं बात करूँ भाग यहाँ पे जो भाग है वो भाग 9 है, और अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 243 है। स्थानीय स्वशासन में भाग 9 आर्टिकल 243 में शामिल किया गया है और इसमें जो विषयों की संख्या है वो 29 है। अगर मैं 12वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसे इंप्लीमेंट किया गया और इसमें नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी के साथ ही में अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 विषयों को स्थान दिया गया। स्थानीय स्वशासन को ये काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या अगले टॉपिक पे स्थानीय स्वशासन ऑलरेडी एक चैप्टर ही रखा गया है तो वहाँ पे हम और डिटेल में बात कर लेंगे। अभी जो हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया अनुसूचियाँ हैं वो 8 मूल संविधान में हैं। अगर मैं 7 की बात करूं तो हमारे यहाँ मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा होगा, बोलने में कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा। अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार लागू किए गए थे, लेकिन मैं बात करूं 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में तो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 क्लॉज ए में इसे एक वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। सो वर्तमान में जो स्थिति है फंडामेंटल राइट्स की वो 6 हैं और इसका जो उल्लेख किया गया है भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। साथ ही में अगर मैं बात करूं 8 की तो हमारे यहाँ जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। अगर मैं 22 की बात करूं तो वर्तमान में 22 भाषाएं भी हैं और 22 भाग भी हैं। मूल संविधान में हमारे यहाँ 14 भाषाएं थी, बाद में 21, 71 और 92 में हमारे यहाँ भाषाओं को शामिल किया गया। सो वर्तमान में हमारे यहाँ जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है और भाग भी हमारे यहाँ 22 है। अगर मैं 395 की बात करूं तो 395 हमारे यहाँ आर्टिकल है मूल संविधान में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल का संबंध किस संविधान संशोधन से है। 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर मैं दल बदल की बात करूं, दल बदल अभी आपने पिछली क्वेश्चन में देखा कि जो दल बदल का उल्लेख है ये 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक। अगर मैं दल बदल की बात करता हूं तो इससे पहले हमारे यहां जो दल बदल था, अगर 1/3 सदस्य किसी भी पार्टी में जाके शामिल हो जाते थे तो ये माना जाता था कि वह दल बदल से संबंधित जो नियम या कानून होते थे उसके तहत उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता था। लेकिन अगर उसके बाद में मैं बात करूं ठीक है, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जब 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो यह कहा गया कि 2/3 ठीक है, 2/3 सदस्य, अगर 2/3 सदस्य किसी भी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं तो उन पर दल बदल से संबंधित अयोग्यता के आधार पर उन्हें उनकी सदस्यता से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
हमारे यहाँ जो दल बदल संबंधी अनुच्छेद है ये है 52वां संविधान संशोधन। मैंने अभी आपको पहले ही बताया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लागू किया गया। कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं दल बदल से। अगर मैं दल बदल की बात करूं, अगर दल बदल विधेयक से संबंधित अगर योग्यता का निर्धारण है तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्धारण करता है कि कोई भी सदस्य योग्य है या अयोग्य है दल बदल के आधार पर, और उसका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन अगर मैं व्यक्ति की योग्यता के आधार पर बात करूं कि वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, तो इसका जो निर्धारण होता है वह राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के रिकमेंडेशन या सुझाव पर करता है। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर है तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अगर दो पहले क्या था, दो एक बटे तिहाई था, अगर एक बटे तीन कर लेते हैं तो नहीं माना जाएगा। वर्तमान में 1991 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें कहा गया कि अगर दो तिहाई सदस्य अगर अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाकर शामिल होते हैं तो वो डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे, वो एज अ सदस्य बने रहेंगे। ये कहा गया दल बदल संबंधी कानून में। अगर वही मैं 24वें संविधान संशोधन की बात करूं, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट है। 24वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान राष्ट्रपति संविधान संशोधन कानून पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। यह 24वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा हमारे यहां नहीं था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। वही 42वें संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये इतना बड़ा संविधान संशोधन हुआ कि पूरे संविधान को ही बदल दिया गया एक तरीके से। बहुत से नए चीजें हमारे संविधान में लागू की गई। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं तो पहली बार हमारे यहाँ उद्देशिका में भी हमारे संशोधन किया गया और उसमें तीन वर्ड शामिल किए गए। तीन वर्डों की अगर मैं बात करूं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को शामिल किया गया। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन में ही हमारे यहाँ एक भाग चार का जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पे हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। सो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे यहाँ कब शामिल किया गया, यह उद्देशिका में शामिल किया गया। अगर हमारे यहाँ उद्देशिका की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ उद्देशिका में ये कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये था आपका उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देशिका में ही हमारे यहाँ संशोधन किया गया और संशोधन में तीन वर्ड शामिल किए गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अभी तक सिर्फ एक बार किया गया है, एक ही बार है और वो अंतिम भी है अभी तक का। इसके बाद अगर कोई संशोधन किया जाएगा आपको अपडेटेड किया जाएगा। सो ये 42वां संविधान संशोधन था और 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे। अगर मैं 61वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 61वें संविधान संशोधन में जो हमारे यहाँ राइट टू वोट है, यानी मतदान करने का अधिकार है, वो 18 वर्ष कर दिया गया। सो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन था। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है डी, 52वां संविधान संशोधन। मैं इन सबको एक बार रफ कर रहा हूं। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द राइट ऑप्शन दल बदल संबंधी संशोधन विधेयक के आधार पे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन। वी ऑप्शन है कि संविधान संशोधन में तीन प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। एंड डी ऑप्शन है कि गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूं, संविधान संशोधन हमारे संविधान में भाग 20
और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 368, ठीक है। अगर मैं अपने संविधान की बात करूं तो भाग 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक। यहीं पे अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन की, तो संविधान में हमारे यहां एक है साधारण बहुमत से, एक है विशेष बहुमत से, और एक है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ठीक। एक, दो, तीन, ठीक। साधारण का मतलब है 1/3 सदस्य उपस्थितियों मत का, विशेष का मतलब है 2/3 उपस्थितियों मत का, और विशेष का मतलब है कि उपस्थितियों मत का 2/3 प्लस 50% राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक वर्ड लगा दिया गया लेकिन, और जब भी लेकिन लगाया जाता है तो हमें ध्यान देना होता है। लेकिन ये कहा गया, अगर आप आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, आर्टिकल 4, तो आर्टिकल 4 यह कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 की परिधि के बाहर होगा। मतलब कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो वो उसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह समझ में आता है कि अगर साधारण बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वह 368 के दायरे से बाहर है। मतलब हमारे यहाँ संविधान संशोधन सिर्फ दो प्रकार का उल्लेख है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये गलत है, 3 नहीं सिर्फ 2 है। जो पहला है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। आप जब आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 4 में इजीली आपको दिखेगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 की परिधि के बाहर होगा। आर्टिकल 2, 3, 4 क्या है हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका कहता है कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति के लिए। और आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी आपने देखा कि राष्ट्रपति बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य है, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन बी आपका गलत है, और पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धन विधेयक की मैं बात करूं तो वहां पे पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संयुक्त बैठक की अगर मैं बात करूं आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 का संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान संशोधन विधेयक के नहीं किया गया है। अगर संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध की स्थिति जनरेट होती है तो उस विधेयक को समाप्त कर दिया जाता है, जो कि जीएसटी में देखा गया था कि जब जीएसटी में पहली बार विधेयक लाया गया तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उसे समाप्त करके फिर से विधेयक लाया गया और उसे बाद में पारित किया गया। सो एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान ये भी गलत है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन विधेयक में किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सिर्फ ए। अगर मैं एक बार फिर से आपको संविधान संशोधन के एक बार रिकॉल करूं, भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही में संयुक्त, अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन की, यहाँ पे 3 प्रकार का भले ही उल्लेख है, लेकिन जो प्रकार 1 है साधारण बहुमत से, वह संविधान संशोधन के दायरे से बाहर है, यानी 368 की परिधि के बाहर माना जाता है। अगर मैं वहीं पर बात करूँ
क्या कहते हैं, टू और थ्री के आई मीन विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की, तो ये संविधान संशोधन माना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन ए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है, मैच करना है आपको पहला संविधान संशोधन विधेयक, 25वां संविधान संशोधन विधेयक, 86वां संविधान संशोधन विधेयक और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर मैं पहले संविधान संशोधन विधेयक की मैं बात करूं, तो जो पहला संविधान संशोधन विधेयक है वो संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून को शामिल किया गया था, जो हमने देखा था हमारे यहाँ अनुसूची 9 में, जो हमने 9वीं अनुसूची में देखा वो संपत्ति संबंधी कानूनों को हमने देखा। वहीं पे अगर मैं 25वां संविधान संशोधन की बात करूं, तो 25वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दिया गया, किस पे, फंडामेंटल राइट पे, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट, 14, 19 और 31 पर वरीयता दिया गया हमारे डीपीएसपी के जो आर्टिकल 39 है क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 को वरीयता दी गई। और ये कहा गया कि अगर आर्टिकल 39 का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में आप आर्टिकल 14, 19 और 31 का सहारा नहीं ले सकते हैं। मैं बात करूं तो 25 में ये कहा गया कि डीपीएसपी की वो वरीयता प्रदान की गई किस पे, 14, 19 और 31 पर। अगर मैं वही 86वें संविधान संशोधन की बात करूं, तो 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार से भी संबंधित है। और यहाँ पे ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण किया जाए और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये किया गया 86वें संविधान संशोधन में। हालांकि 86वां संविधान संशोधन और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन है, डीपीएसपी पे भी किया गया है, और डीपीएसपी के साथ ही साथ में अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूँ, तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे आर्टिकल 51A में इसको जोड़ा गया, और भाग 4 का था उसमें 10 तो हमारे यहाँ जोड़े गए, 10 भाग जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि 6 वर्ष से कम के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान करता है। अगर मैं वही 99वें संविधान संशोधन की बात करूं, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये विद्युत लिख दिया गया, यह है नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, जब हम जुडिशरी पार्ट देखेंगे एमसीक्यूज पे, तो वहां पे हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देख लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ जो जजों की नियुक्ति थी, वो एक जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम पैटर्न को लागू किया गया, यानी कोलेजियम पद्धति को अपनाया गया है, और उसी पद्धति के आधार पे हम अपने यहाँ के जजों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन जजों की नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यह एक जुडिशरी हमारे यहाँ की ऐसी संस्था है जो अपने सदस्यों की नियुक्ति खुद ही करता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसमें रिफॉर्म किया जाए, और उन्हीं रिफॉर्म को करते हुए कोलेजियम पैटर्न को हटाया गया, और उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को का गठन किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही अब जजों की नियुक्ति करेगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 13 भी है, और आर्टिकल 13 बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 भी देख लेंगे। जज साहब ने हमारे यहाँ की ये कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मूल ढांचे के खिलाफ है, और वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का हनन करती है, उन्हें कम करती है, जो कि ऐसा हमारे संविधान में नहीं कहा गया है। मतलब संसद हमारे यहाँ कोर्ट के पावर्स को बढ़ा सकती है, उन्हें कम नहीं कर सकती है, ये हमारे यहाँ का मूल ढांचा में बताया गया है। मूल ढांचा भी हम देखेंगे आगे केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, तो पहले का बी यानी 2, 3, 4 और 1 कहीं दिख रहा है, 2, 2, 3 मैं लिख दे रहा हूं, ई आपका 2, 3, 4 और 1 जो कि आपका ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ है कि मूल ढांचे का सिद्धांत संबंधित है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल वाद 1980 में, ठीक है। देखिए मूल ढांचे का जो सिद्धांत है
मूल ढांचा क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। मूल ढांचे का मतलब यह है कि संसद यानी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करती है, ठीक। लेकिन संविधान कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें संशोधन नहीं कर सकती है, जो कि संविधान की आत्मा है या संविधान के जो एक तरीके से कह लें कि जो संविधान के राइट्स हैं या संविधान की आत्मा है या संविधान के वो तत्व शामिल है जो कि संविधान को संविधान बनाते हैं, तो जो आर्टिकल 368 के तहत आप उसके ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, पूरे संविधान में भी आप कहीं भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई विधि शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी विधि आप नहीं बना सकते हैं जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। साथ ही साथ में आप कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों या हमारे जुडिशरी के अधिकारों का हनन करती हो। सो ऐसे जो मूल ढांचे हैं या ऐसे जो प्रावधान किए गए हैं वो हमारे यहाँ मूल ढांचा कहलाती है। सबसे पहले जो मूल ढांचे का सिद्धांत से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे आया था वाद, वो आया था सरकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल क्लॉज टू जो है वो आर्टिकल 368 में शामिल किसी भी विधि के अंतर्गत नहीं आता। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो विधि शब्द का उल्लेख किया गया है वो 368 के परिधि के बाहर है, ऐसा कहा गया सरकरी प्रसाद में। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि संसद हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी संविधान संशोधन करती है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, मींस वो विधि आर्टिकल 368 क्लॉज के बाहर होगा। ये ऐसा कहा गया सरकरी प्रसाद में। गोलकनाथ में इसको पलट दिया गया और ये कहा गया कि यह उसके दायरे में आता है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारतीवाद आया तो केशवानंद भारतीवाद में भी मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया और फिर से वही कहा गया जो पहले कहा गया था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 विधि शब्द आर्टिकल 368 के परिधि के बाहर है और संसद किसी भी ऐसे विधि कानून या अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता या कार्यपालिका किसी ऐसे अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता जो किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो। यह कहा गया आर्टिकल 13 क्लास 2 पे। यहीं पे मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और मूल ढांचे के सिद्धांत में एक चीज और दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन का, जुडिशियल रिव्यू का। ये दो अवधारणाएं हमारे यहाँ डेवलप हुई केशवानंद भारतीवाद में। पहला मूल ढांचा, मूल ढांचे में यह कहा गया कि जो हमारे यहाँ का मूल संविधान है, जो मूल तत्व निहित है, संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। और कहा गया जुडिशियल रिव्यू, अगर ऐसा मूल तत्वों में परिवर्तन करती है तो जुडिशरी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, मैं एक बार लिख देता हूँ, जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमें प्रदान करती है कोर्ट को, वो एक है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यह कहता है कि अगर संसद कोई भी विधि बनाता है जो संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है वो उस मात्रा तक या तो शून्य मानी जाएगी जिस मात्रा तक उल्लंघन करती है, और अगर पृथक्कीकरण नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा विधेयक ही शून्य माना जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल 13 क्लास 2 को और यहीं पे मूल ढांचा का भी उल्लेख किया गया और जुडिशियल रिव्यू की भी अवधारणा विकसित की गई। जो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत मिलता है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये भी जब हम जुडिशरी पार्ट करेंगे वहाँ पे इजिली कर लेंगे। मिनर्वा मिलवाद में भी केशवानंद भारतीवाद को ही वैधता प्रदान किया गया और यही कहा गया, एक चीज और डेट आप नोट कर लीजिएगा, 24 अप्रैल 1973 कोर्ट ने यह भी कहा अब न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई भी ऐसा विधेयक कानून या विधि नवीन अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। सो आपने देखा कि मूल ढांचा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ये खासकर आप याद रखिएगा आर्टिकल 13, 32 और
26 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है। सो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है आपका सी, मूल ढांचे का जो सिद्धांत वह केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो जज की पैनल थी, ये 13 जजों की पैनल थी, और जो ये डिसीजन दिया गया था ये 7-6 से दिया गया था। मतलब ये समझिए कि अगर मूल ढांचे में भी कोई भी चेंजिंग्स करना है या केशवानंद भारतीवाद को पलटना है, तो कम से कम आपको 13 जजों से बड़े जज, बड़े बेंच की जरूरत होगी। अगर 13 से ज्यादा, 15 जजों की पैनल होगी, तभी जाके केशवानंद भारतीवाद में चेंजिंग्स किया जा सकता है। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है 91, 97, 69 और 7वां संविधान संशोधन। एक है सहकारी समिति, मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग और दिल्ली को NCR, ये दिल्ली NCR को दर्जा दिया गया, ठीक है। अगर मैं सातवें की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। डी पे अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैं बात करूं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो 91 में ही मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किया गया और ये कहा गया कि चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 15% से ज़्यादा, सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी के साथ में अगर मैं 97 की बात करूं तो सहकारी समिति, और अगर मैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूं तो दिल्ली NCR को, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अगर मैं वहीं पे बात करूं सहकारी समितियों की, तो सहकारी समितियों से संबंधित जो क्लॉज है, आप देखेंगे कि भाग 9 खा, भाग 9 खा में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। अगर वहीं पे मैं भाग 9 की बात करूं तो भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, भाग 9 का में नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है, और भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। अगर मैं मंत्रिपरिषद के आकार की बात करूं तो मंत्रिपरिषद का आकार आपका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये कहा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग से अगर मैं बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो समितियां हैं, एक है धर समिति और एक है फजल अली के सुझाव के ही आधार पे हमारे यहाँ राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो भाषाई आधार पे किया गया, और भाषाई आधार पे गठन करने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश किया गया। इसी के साथ ही मैं बात करूं दिल्ली NCR की, तो ये किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो है पहले का 2, 2, 1, 3 एंड 4, दिस इज द राइट ऑप्शन 91, 97, 69 एंड 7। तो ये आपके ऑप्शंस थे, एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 101वां संविधान संशोधन, 102, 103 और 104, साथ ही में दिया हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, GST, EWS एंड SC ST के सीटों का आरक्षण। अगर मैं बात करूं 101वां संविधान संशोधन तो ये है GST, वहीं पे अगर मैं 102 की बात करूं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर वहीं पे मैं 103वें संविधान संशोधन की बात करूं तो EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया, और वहीं मैं अगर 104 की बात करूं तो SC ST के सीटों में आरक्षण दिया गया। यहाँ पे एक बात गौरतलब है कि जहाँ पे SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, वहीं पे आंग्ल इंडिया, जो कि हमारे आंग्ल इंडिया के सीटों का रिजर्वेशन था आर्टिकल 331 में, आंग्ल इंडिया के जो सदस्य हैं, ये कहा गया कि 331 के तहत अगर उनका जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति उनको मतलब अपॉइंट कर सकता है, यानी उनको इलेक्ट किया जा सकता है। तो जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें आंग्ल इंडिया को का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, साथ ही साथ में SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगर मैं वहीं पर GST की बात करूं तो आपको पता है कि GST के लिए जो हमारे संविधान संशोधन है वो 101वां संविधान संशोधन किया गया है, और GST काउंसिल, हमारे यहाँ जो GST काउंसिल है 279 क्लॉज ए का गठन किया गया है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ दर है ये 5 दर है, 0, 12, 18 और 28। साथ ही साथ में जो ये कहा गया है कि जो हमारे यहाँ GST काउंसिल में प्रेजेंट टाइम पे 33 मेंबर हैं, 2 तो राज्य से हैं, 28 आपका 2 केंद्र से हो गए, 28 आपका राज्य और 3 आपके UT से होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे
तो जीएसटी काउंसिल में इस समय 33 सदस्य हैं। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है ये वित्त मंत्री होता है, कभी भी आरबीआई को आप सेलेक्ट ना करिए, वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वित्त मंत्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो किसी भी गुड्स को जीएसटी या गुड्स या सर्विस को जीएसटी में शामिल करना है उसके लिए जो वोटिंग राइट है वो 3/4 है। अगर कहीं भी आपको 2/3 बहुमत कहा जाए तो ये गलत होगा। 3/4 बहुमत के आधार पे किसी भी गुड्स को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाएगा। जो हमारे यहाँ का जीएसटी है ये कनाडा बेस पे आधारित है। पहली बार विश्व में जो जीएसटी लागू किया गया ये फ्रांस में लागू किया गया, और हमारे यहाँ जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है वो असम है। सो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इसी के साथ ही में हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी अनुसूचियों संविधान संशोधन विधेयक है या संविधान संशोधन से जो कुछ प्रावधान है हमने इन्हें यहाँ पे देखा है। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए अनुसूचियाँ तो आपकी कवर हो ही जाएंगी, प्लस साथ ही साथ में आपका संविधान संशोधन भी क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं जो हम देखने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ये है आपका स्थानीय स्वशासन से, और एक ही पूरे क्लास में 20 से 25 मिनट में हम स्थानीय स्वशासन को कवर कर लेंगे। ये जो आपको पूरा एक इस तरीके से मैं बात करूं तो ये पूरा सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एमसीक्यूज का। ये एक तरीके से सुपर 90 है। सुपर 90 का मतलब यह है कि लगातार 30 दिन तक आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। वो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे और वो सब्जेक्ट्स एक एक स्पेशली टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि कल आपको जो क्लासेस मिली होंगी वो आपको आर्ट एंड कल्चर का एक क्लास मिला होगा, पॉलिटी का एक क्लास मिला होगा और एक इकोनॉमी का एक क्लास मिला होगा। I mean, आपने 3 क्लासेस कल देखी हैं और 3 क्लासेस आज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। कल अगर कल का सेशन अगर आपने पॉलिटी का नहीं देखा है तो एक बार आप उसे जाके जरूर देख लें। महत्वपूर्ण जितनी भी अनुसूचियां संविधान संशोधन है हमने उसे वहां पे कवर किया है। आज हम जो देखने वाले हैं महत्वपूर्ण जो भी स्थानीय स्वशासन है स्थानीय स्वशासन को हम देखेंगे। बढ़ते हैं, अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ये आपका क्वेश्चन। अगर ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। अगर मैं लॉर्ड वेलेजली की बात करूं, अगर मैं लॉर्ड वेलेजली की बात करूं तो लॉर्ड वेलेजली को आप किसके लिए जानते हैं? आप जानते हैं सहायक संधि के लिए, सहायक संधि के लिए आप लॉर्ड वेलेजली को जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को आप सहायक संधि के लिए जानते हैं। और सहायक संधि पे अगर मैं बात करूं हस्ताक्षर करने वाले, देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि कब कैसे क्या क्यों कहां क्या किया गया, डजेंट मैटर। सहायक संधि में आप कुछ मत जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि सहायक संधि को इंप्लीमेंट किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली के साहब ने किया था। और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला जो सबसे पहले पहला राज्य था वो हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम ने किया था। ठीक, इसके बाद में बात करूं हैदराबाद के बाद में अवध, पेशवा और तंजौर। ठीक है, ये राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर किए थे। और भी राज्य हैं लेकिन ये खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अवध है 1801 में। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत अवध ने कब साइन किया था, तो सहायक संधि के तहत अवध ने 1801 में किया था। अगर मैं वही लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त के लिए आप जानते हैं, किसके लिए आप जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्त के लिए, अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे आप जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं अस्थाई बंदोबस्त की बात करूं तो जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है, ये ठीक, ये वाला हिस्सा बंगाल बिहार और उड़ीसा, कौन सा? बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये 3 हिस्से शामिल थे अस्थाई बंदोबस्त के तहत। इन इन क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। और इसी के साथ ही मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रों पे लागू किया गया था। इसमें जो जमींदार होते थे जमींदारों को 1/10 अपने पास रखना होता था और 9/10 ब्रिटिश सरकार को पे करना होता था। अगर मैं वही लॉर्ड रिपन की बात करूं तो
तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और ये कब किया गया था, 1882 में किया गया था। अगर मैं वही लॉर्ड कर्जन की बात करूं तो लॉर्ड कर्जन को आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन को अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कर्जन को में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेल विस्तार सबसे ज्यादा जो हुआ है लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ है। और लॉर्ड कर्जन को एक और चीज के लिए आप जानते हैं, वो है बंगाल विभाजन 1905, ये भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल पे हुआ था। सो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, लॉर्ड रिपन के ही काल में स्थानीय स्वशासन को इम्प्लीमेंट किया गया 1882 में, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है, सही मिलान आपको करना है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, एल एम संघवी और भूरिया समिति। अगर मैं वहीं पर बलवंत राय मेहता की बात करूं तो सबसे पहले जो गठन किया गया था पंचायती राज में सुधार के लिए, वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और बलवंत राय मेहता साहब ने ये कहा कि जो पंचायतों का गठन है वो तीन स्तरों पर किया जाए, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे। वहीं अगर मैं अशोक मेहता साहब की बात करूं तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने का अपना सुझाव दिया था। अगर मैं एल एम सिंघवी की बात करूं तो एल एम सिंघवी साहब ने यह सुझाव दिया था कि पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और अगर मैं वहीं पे भूरिया समिति की बात करूं तो भूरिया समिति का संबंध पेशा कानून से है। आगे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी को तो हम देखे लेंगे, लेकिन भूरिया समिति के बारे में एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं। भूरिया समिति का संबंध बेसिकली ये 1996 के आसपास किया गया था, 1996 में किया गया था, और यह कहा गया कि जो एसटी एरिया है यानी जो ट्राइब्स एरिया में स्थानीय स्वशासन को इम्प्लीमेंट किया जाए और उन चीज़ों को बेहतर रेगुलेट करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्वशासन तो सारे राज्यों में लागू कर दिए गए जो सामान्य एरिया थे, लेकिन एसटी यानी जो ट्राइब्स एरिया है वो जल्दी किसी भी परिवर्तन को अपने क्षेत्रों में लागू नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है। और रूढ़िवादिता ज़्यादा होने के कारण ही सरकार ने यह सोचा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो ट्राइब्स एरिया में भी पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन कर सके। इसी उद्देश्यों को लागू करने के लिए 1996 में भूरिया समिति का गठन किया गया था। अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो दो तीन चार और एक सी आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक। विजयनगर चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है। नंबर दो, ग्राम सभा से आशय पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोगों से है, ठीक है। 1919 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में शामिल किया गया, यह भी ठीक है। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं तो स्थानीय स्वशासन की झलक अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि पहली बार जो स्थानीय स्वशासन एक बेहतर लेवल पर सुनियोजित ढंग से देखने को मिलती है वह चोल और विजयनगर साम्राज्य में आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन भी रहा है कि चोल काल को वो जब भी पूछते हैं तो वहां के चोलकालीन साहित्य पे ज्यादा प्रश्न होता है, या चोलकालीन की मैं बात करूं तो चोल काल के स्थानीय स्वशासन पे ज्यादा प्रश्न कमीशन करता है। देखिए क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है ना तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि किसी साम्राज्य की कौन सी विशेषता रही है। तो अगर मैं चोल की बात करूं तो चोलों में उनका स्थानीय स्वशासन उस टाइम पे अपने आप में बहुत बेहतर लेवल पे देखने को मिलता है। अगर मैं ग्राम सभा की बात करूं तो ये भी आपको पता है 1919 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। अगर मैं इस बात करूं राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत की गई, मैं बात करूं तो बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन किया गया तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को लागू करने के लिए 2 अक्टूबर
1957 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ये पहली बार था। और अगर मैं वही दूसरी बार की बात करूं तो दूसरी बात आप देखेंगे कि 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश का महबूब नगर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक, अगर मैं बात करूं पहली बार तो नागौर है और दूसरी बात आंध्र प्रदेश का महबूब नगर है। जब तेलंगाना अलग हुआ तो महबूब नगर अब आपका है तेलंगाना में। ठीक है, इसके साथ ही मैं अगर आपको एक चीज और रिकॉल करना चाहूं तो जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बात करूंगा, 73वां संविधान लागू होने के बाद 1992 में पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। वहीं दूसरी बार की अगर मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। लेकिन चूंकि तेलंगाना पहले महबूब नगर आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में तेलंगाना में, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 73वां संविधान संशोधन होने के बाद में, यानी संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, किस राज्य ने पहली बार लागू किया तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने पहली बार इसको लागू किया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है डी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध है 73वां, 74वां, 42वां और 52वां संविधान संशोधन। आपको भी पता है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध 73वें संविधान संशोधन से। अब चूंकि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जिक्र हो रहा है तो एक बार हम स्थानीय स्वशासन को देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं स्थानीय स्वशासन की बात करूं, भाग 9 आर्टिकल 243 ग्यारहवीं अनुसूची में, कब किया गया, ग्यारहवीं अनुसूची में 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक, ये आप ध्यान दीजिए, कब किया गया, भाग 9 आर्टिकल 243 ग्यारहवीं अनुसूची में 1992 में किया गया। अगर मैं यहीं पे बात करूं विषय की, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके साथ ही मैं अगर मैं संवैधानिक दर्जा की बात करूं तो संवैधानिक दर्जा इसको राष्ट्रपति ने जब मोहर लगाया फाइनली तो 1993 था। इसके बाद ही मैं अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान के नागौर जिले में किया गया, दूसरी बात आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में किया गया, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में मध्य प्रदेश में किया गया। इसके साथ ही मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि जो संवैधानिक दर्जा दिया गया इसे कब दिया गया, 24 अप्रैल 1993। यही रीजन है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं पंचायती राज की, यहीं पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, किसका है, डीपीएसपी का है आर्टिकल। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में राज्यसभा के गठन का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन यह भी ये आया है, 74वां संविधान संशोधन आया है 1992 में, और 1992 में इसमें नगरीय स्वशासन को इंप्लीमेंट किया गया। वर्तमान टाइम पे इसमें 18 विषय हैं। इसके साथ में अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में पहली बार उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। मैं बोल रहा हूं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में ही आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भाग 4 का 51 आर्टिकल 51 का में
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। अगर मैं 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास अभिभावकों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में अगर मैं 86वें संविधान संशोधन की और भी बात करूं तो फंडामेंटल राइट, अगर मैं आर्टिकल 21 क्लॉज ए की बात करूं तो उसमें भी शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ ही में अगर आप DPSP देखेंगे तो DPSP में भी आर्टिकल 39 में भी आपको देखने को मिलेगा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत उसमें भी जोड़ा गया। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 क्लॉज ए शामिल किया गया। इसके साथ ही में 86वां संविधान संशोधन देखा जाए तो मौलिक अधिकार में 11वां मौलिक अधिकार शामिल किया गया, मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तीनों में संशोधन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा रहा 42वां संविधान संशोधन, जो कि मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर किया गया है, ठीक है। ये चीजें हो गई, उद्देश्य का भी मैंने आपको बता दिया है। ये है हमारा 52वां संविधान संशोधन, अगर मैं 42वां संविधान संशोधन, अगर मैं 52वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन आपका किया गया है 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल नियम को लागू किया गया। दल बदल नियम यह कहता है कि अगर पहले क्या था कि एक तिहाई सदस्य अगर किसी पार्टी में सदस्य ग्रहण कर लेते हैं तो वो दल बदल के नियम के बाहर रहेंगे, उनकी सदस्यता खारिज नहीं की जाएगी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन जब लागू किया गया तो 91वें संविधान संशोधन में यह बताया गया कि 1/3 का जो दायरा था वो 2/3 कर दिया गया, जहां पे 1/3 था उसे 2/3 कर दिया गया। और यह कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टियों में शामिल होते हैं तो वह दल बदल नियम कानून के बाहर होंगे। अगर दल बदल विधेयक के योग्यता की मैं बात करूं तो इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ग्राम पंचायतों का गठन और पर्यावरण संरक्षण। अगर मैं राज्य वित्त आयोग की बात करूं तो आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में किया गया है, पंचायती राज्यों का गठन आर्टिकल 40 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 48 क्लॉज ए में किया गया है, ठीक है। सो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो 2, 1, 3 और 4 डी इज द राइट ऑप्शन। चूंकि यहाँ व्याख्या बताने की उतनी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सारी व्याख्याएं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य का संबंध है, हालांकि मौलिक कर्तव्य मैंने भी आपको पहले ही बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य का संबंध है फजल अली आयोग से, फजल अली आयोग, केशवानंद भारती व सरकारी आयोग और स्वर्ण सिंह समिति। अगर मैं फजल अली की बात करूं तो फजल अली आयोग का संबंध ये भाषाई राज्यों के पुनर्गठन से, 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर गठन पुनर्गठन करने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को पहली बार पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। अगर मैं केशवानंद भारतीवाद की बात करूं तो केशवानंद भारतीवाद जो आपका आया है 1973 में आया है। केशवानंद भारतीवाद में ही मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और मूल ढांचा का सिद्धांत में यह कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के उन भागों में संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान की आत्मा है या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर संसद आर्टिकल 368 के तहत कोई ऐसा संविधान संशोधन करता है या अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, संसद कोई विधेयक लेकर के या अधिनियम लेकर के आती है जो आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अगर मैं न्यायिक पुनरावलोकन की बात करूँ, आई मीन जुडिशियल रिव्यू की बात करूँ, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत अगर संसद कोई भी विधि, नियम, कानून, कायदा बनाती है और वह किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वह उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अगर वह पृथक्कीकरण विधेयक किया जा सकता है, मतलब
अगर कोई सब क्लॉज है जो उल्लंघन करती है तो उस सब क्लॉज को खत्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज सब क्लॉज को हटाया नहीं जा सकता तो पूरा का पूरा विधेयक अधिनियम या अध्यादेश को ही खारिज कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो आपको भी पता है कि आर्टिकल 32 के तहत आप 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं वही बात करूं आर्टिकल 226 की, तो आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे विचारणीय प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की शक्ति जो है वो सिर्फ 5 आधारों पे किया, 5 आधारों का मतलब है 5 प्रकार से आप कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर ही जा सकते हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके तहत मैं आर्टिकल 32 के तहत आपके शरण में आया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कहीं अगर आर्टिकल 222 है तो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट के तहत जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके किसी अन्य अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो भी आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना या खारिज नहीं कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। इस मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं और इनसे ज़्यादा हाई कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं रिट के मामले में, ठीक है। अगर मैं वही ये बात हो गई केशवानंद की, अगर मैं सरकारी आयोग की बात करूं तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अगर मैं केंद्र राज्य संबंध की बात करूं तो सरकारी आयोग के साथ में एक है राज मन्नार, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, राज मन्नार आयोग और पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग, ये दो और भी हैं जिनका केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो मौलिक कर्तव्यों का जो संबंध है वो स्वर्ण सिंह समिति से है। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया हमारे मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे यहाँ स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसके बाद 11वें जो मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है, जिसका वर्णन ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक। सो ये रहा हमारा आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के दाएं बाएं खेले जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बिना देरी के बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, ठीक। क्या कह रहा है? शामिल नहीं है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये एकल संक्रमणीय तथा हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव की जो डेट होती है वो निर्वाचन आयोग करता है, या राष्ट्रपति के चुनाव को कराने की जो अथॉरिटी वो निर्वाचन आयोग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन एक मंडल में और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। लेकिन
अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होता है। ठीक, आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है डी। ठीक, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाला है कि कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। ठीक, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप यह ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है कि विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है। ठीक, अगर विधान परिषद को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में विधान परिषदें भी हैं उनके पास वोटिंग पावर राइट ज़्यादा हो जाएगा, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पे वोटिंग राइट पावर कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ही अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और, तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता की हमारे यहाँ बात की गई है, जब बात हो रही तो योग्यता की भी मैं कर लूँ, वैसे भी भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा हमारे यहाँ आर्टिकल 52 में कहा गया है, और जो हमारे यहाँ कार्यपालिका का उल्लेख है, कार्यपालिका जो का उल्लेख हमारे यहाँ भाग 5 में किया गया है। ठीक, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका यानी संघ का उल्लेख किया गया है, और अब भाग 6 में आएंगे तो उतना ही उल्लेख राज्यों की कार्यपालिका विधायिका के बारे में किया गया है। अगर योग्यता की मैं बात करूं मतलब थोड़ा स्पीड में, तो जो यहां पे एज की बात कही गई है, एज 35 भारत का नागरिकता होनी चाहिए। ठीक, भारतीय नागरिक, इसी के साथ में लोकसभा की योग्यता रखता हो, मतलब वो लोकसभा के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रखता हो, और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का दिवालिया या कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो वह राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाता है। राष्ट्रपति के लिए कौन कौन मंडक में शामिल होते हैं ये चीज़ें आपने देख लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76, 61, 72 या 75 में। ठीक, देखिए आपको पता होगा कि एक हमारे यहाँ आर्टिकल है आर्टिकल 56, और आर्टिकल 56 में बात किया गया है राष्ट्रपति के पद को लेकर के। ठीक, अगर मैं पद का मतलब है कि वह अपने पद पर कब तक बना रहेगा, ठीक, या उसके हटाने की क्या चीज प्रोविजन है हमारे यहाँ, इसके बारे में आर्टिकल 56 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 56 यह कहता है कि राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, और 5 साल के बाद वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार न संभाले। ठीक, दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज़ यह कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा। ठीक, महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा, और वह प्रक्रिया क्या होगी इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक, यानी थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होगी, लेकिन आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया क्या होगी। ठीक, सो आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगर इसके साथ ही मैं बात करूं आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 75 में, कि एक व्यक्ति संसद यानी अगर कोई भी मेंबर है तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। पहली चीज, यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी का मतलब है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, पहली चीज है। दूसरी चीज ये कहा गया है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से पूरी जो आपकी मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये दोनों चीजें कही गई हैं आपके आर्टिकल 75 में। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 में। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें, ये आर्टिकल 75 रहा आपका। इसी के साथ में बात करूं आर्टिकल 72 की, तो आर्टिकल 72 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 72 में क्षमा दान का उल्लेख किया गया है। ठीक, क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, निलंबन और लघुकरण,
ये पांच प्रकार का उल्लेख आपके आर्टिकल 75-72 में किया गया है, मैं लिख दे रहा हूं। यहां क्षमा दान का उल्लेख है, यहां महाअभियोग का उल्लेख है, ठीक। और अगर मैं 76 की बात करूं तो 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में आपको बात बताऊं तो महान्यायवादी को एक तरीके से सरकार का वकील कहा जाता है, ठीक। सरकार का ये एक वकील होता है और जो सारे लीगल एडवाइस देने का काम करता है सरकार को, वो महान्यायवादी करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत या अपना पद धारण करता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की मैं बात करूं तो इसके लिए वेतन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। जो यूज किया गया है महान्यायवादी के लिए, ये भत्ते के तौर पे बोला गया है कि ये एक तरीके से जो भी होगा वो राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति एक तरीके से भत्ते के तौर पे इसको देता है। और यहाँ पे वेतन वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है। साथ ही में भारत सरकार का वकील होता है, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक। यहीं पे एक आर्टिकल का उल्लेख और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 78 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर, अगर कोई भी बहस है, सॉरी बहस नहीं, वह प्रधानमंत्री को किसी भी मुद्दे के लिए कॉल कर सकता है। मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में कहाँ क्या चल रहा है, उन सबकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ले सकता है आर्टिकल 78 के माध्यम से, ठीक। तो कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्हें आप देखिए। ये आर्टिकल्स मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि डायरेक्ट आर्टिकल से ही क्वेश्चन खेला जाता है वनडे एग्जाम में, खासकर कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है। हो सकता है पूछ ले कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, ठीक। यहाँ पे जो है ये पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया, पारिश्रमिक, ठीक, मैं भूल गया आपको बताना, बट यहाँ वेतन की जगह पे पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है, ठीक, अगर आप देखेंगे तो। हालांकि हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ठीक। ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं संसद के संयुक्त बैठक की, तो अगर मैं संसद के संयुक्त बैठक की बात करूं तो हमारे यहाँ आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ठीक। आर्टिकल 108 क्या कहता है, आर्टिकल 108 कहता है कि किसी भी विधेयक पर कि किसी अगर विधेयक पे गतिरोध की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 में, ठीक। देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो साधारण प्रस्ताव विधेयक में देखा जाता है, ठीक। अगर कोई भी साधारण विधेयक है, या अगर मैं बात करूं विधेयक की, तो आप धन विधेयक देखते हैं, वित्त विधेयक देखते हैं, साधारण विधेयक देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक देखते हैं। धन विधेयक के मामले में किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि रीजन है कि अगर धन विधेयक के मामले में गतिरोध उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी तो आएगा ही आएगा, ठीक। इसके साथ ही मैं बात करूं संविधान संशोधन विधेयक की, तो संविधान संशोधन विधेयक में भी यही कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति होती है तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, बचता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक एक टाइप 2 है। अगर मैं वित्त विधेयक टाइप 2 की बात करूं तो कुछ मामलों में संविधान बैठक की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, सामान्यतः साधारण विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान देखा जाता है, ठीक। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं बात करूं, अब आपका प्रश्न कहता है कि बैठक आहूत कौन करता है, तो संयुक्त बैठक आहूत राष्ट्रपति करता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर वही प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक। नीति आयोग का प्रधानमंत्री आपका अध्यक्ष होता है। और अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो यह कॉपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के तहत
कार्य करता है। ये चीज़ें आपके सामने, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रावधान या प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त बैठक में या किसी में नहीं। ठीक है, देखिए यहां एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जब भी उपराष्ट्रपति की बात होती है ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त बैठक या किसी सदन में नहीं। देखिए हमारे यहां हमारी संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी प्रकार का उल्लेख, एक ऐसा नहीं कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख है। हमारे यहाँ राज्यसभा के सभापति को हटाने के बारे में उल्लेख किया गया है, और उसी को जब हटाने की बात होती है तो वह राज्यसभा में होती है। चूंकि हमारे यहाँ का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 64 में। ठीक, आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और आर्टिकल 63 में हमारे यहाँ यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और वैसे भी अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा के मामले में सीमित ही अधिकार है उपराष्ट्रपति को हटाने का। हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे अपने बहुमत से, तो बहुमत को पारित करने के बाद में 14 दिन पूर्व आपको एक नोटिस देनी होती है। उसके बाद में अगर आप राज्यसभा से पूर्ण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, फिर आप लोकसभा भेजते हैं। अगर लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके साथ ही मैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और बात करूं, तो उपराष्ट्रपति का एक कार्य और है कि ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य क्रियाकलापों का या उनके पद को धारण करता है, और एज अ राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठा है तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी शक्तियाँ, वेतन भत्ते और जो भी एक तरीके से जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं एज अ उपराष्ट्रपति को प्रोवाइड की जाती है। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद धारण करता है। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही मैं अगर मैं बात करूं संयुक्त बैठक, हाँ एक चीज और थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन जनरली पुटअप हो जाता है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ऐसा नहीं कि फिर सभापति नहीं करेगा, सभापति कभी भी नहीं करेगा। रीजन इसलिए क्योंकि सभापति कभी भी आप देखेंगे तो संसद का सदस्य होता ही नहीं है, वो एज अ राष्ट्रपति आता है सभापति के तौर पर। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 64, 74, 79 और 85, इसको सही मिलान करने के लिए आपसे कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं उन्हें मैंने आर्टिकल के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कुछ आर्टिकल बचते हैं तो मैं ओरली आपके सामने रखूंगा। ठीक, अगर मैं वही बात करूं 64 की, तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया 64 में कि 64 में कहा गया है कि 64 में राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा, ये थोड़ा रॉन्ग में प्रिंट है, यह है राज्यसभा। ठीक, पहली चीज ये। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में। अगर आप बीआर एक्ट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 74 क्लॉज ए में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के आधार पर उपराष्ट्रपति अपने क्रियाओं को पालन करेगा। ठीक, पहली चीज इसका ऑप्शन ये है। अगर वहीं पे मैं बात करूं आर्टिकल 74 क्लास 2, आर्टिकल 74 क्लास 2 यह कहता है कि मंत्रियों के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह और सुझाव क्या दिया गया है, इसका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। ठीक,
तो ये चीज़ें आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई सिविल दे रहा हो, तो अगर आप सिविल भी दे रहे हैं तो स्टेटमेंट वाइज में आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं आर्टिकल 79 की, तो आर्टिकल 79 में आपका संसद का उल्लेख है और आर्टिकल 75 में सत्रावसान का उल्लेख किया गया है। ठीक, अभी देखिएगा, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, और अगर मैं संसद को थोड़ा सा इधर लेके आऊं तो संसद में कहा गया है कि कौन कौन होगा संसद में, तो पहला आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक, इसी के साथ में आपका लोकसभा, ठीक, और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनेगी, जिसमें से संसद का जो उल्लेख किया गया 79 में, लोकसभा का किया गया तो 81 में, और राज्यसभा का किया गया है 80 में। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वही बात करूँ 17 अवसान और विघटन की, तो 17 अवसान क्या होता है और विघटन क्या होता है, ठीक, देखिए 17 अवसान का मतलब होता है कि किसी एक सत्र को समाप्त कर दिया जाए। 17 अवसान का मतलब होता है कि जो भी शीतकालीन सत्र है, या हो सकता है मानसूनकालीन सत्र है, या बजट सत्र है, या शीतकालीन, तीन सत्र हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किसी भी सत्र की समाप्ति पे देखा जाता है कि प्रॉपर उस सत्र को समाप्त किया जाता है, और 17 अवसान की घोषणा राष्ट्रपति करता है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ ही मैं अगर बात करूँ 17 अवसान की, तो 17 अवसान में आप देखते हैं कि जब लोकसभा किसी भी बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करती है तो इसे साइंडाई कहा जाता है, और साइंडाई के लागू होने के ही बाद में जब राष्ट्रपति बैठक की फिर से कॉल ना करे तो राष्ट्रपति 17 अवसान की घोषणा कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो पहले का चौथा, ठीक, दूसरे का पहला, ये सारे गलत हैं, आपका ऑप्शन है डी, ठीक। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल सही मिलान करना है, आर्टिकल 87, 105, 108 और 111, ठीक। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति का विशेष भाषण, वीटो पावर और संसदीय विशेषाधिकार, ठीक। अगर मैं बात करूं 111 की, सबसे पहले तो आप यही समझिए आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। सपोज दैट अगर आप इनमें से कुछ भी ना जाने तो मैं आपको करने के एक लॉजिक दे रहा हूं, ठीक। 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर, अब आप चेक करिए क्या कहीं डी का तीसरा है, आपको नजर में आता है कि हाँ डी का तीसरा तो ये है, ठीक, 111 में वीटो पावर, ठीक है। अगर इसके साथ ही मैं बात करूं अगर आपको और पता है तो अच्छी बात है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है 108 में, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष भाषण का उल्लेख किया गया है। अब अगर आप इसको मिलाना चाहें तो पहले का है दूसरा, उसके बाद में चौथा, पहला और तीसरा, आपका राइट ऑप्शन है ए, ठीक। देखिए संसदीय विशेषाधिकार यह कहता है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो 40 दिनों के मतलब बैठक से 40 दिन के पहले या बाद में आपराधिक मामले में तो गिरफ्तार या गवाही देने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन दीवानी मामलों में बाध्य नहीं किया जा सकता है। और भी बहुत प्रकार की छूटों का वर्णन संसदीय विशेषाधिकार में किया गया है। साथ ही में यह भी विशेषाधिकार दिया गया संसदों के कि वो अपनी बैठक में किसी भी व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं, अपने प्रशासन को होल्ड कर सकते हैं, या और भी बहुत प्रकार की उल्लेख किया गया है। तो इतनी चीजें रही आपके सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पूरा जो कार्यपालिका है ना, ये सीक्वेंस वाइज में सीरीज 1, 2 और 3 के माध्यम से आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक। इसके माध्यम से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी विषय पर चाहे तो उसका डिसीजन या उसका जजमेंट या उसके एक विचार जानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका अगर कोई ऐसा विचार है, राय दिया गया, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। पहली चीज आप ये जानिए आर्टिकल 143 के साथ ही मैं बात करूं तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है आर्टिकल 352 में, 365 में और 356 और 360 में, ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति सारे जो जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक। और इनसे संबंधित जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत चलती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही मैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूंगा कि कार्यपालिका में कौन कौन है। इससे पहले कार्यपालिका में जब आप देखेंगे तो कार्यपालिका में जैसे मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देखा है, महान्यायवादी को देखा है, इसके बाद में जब भी हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पे बात हो, मंत्री परिषद पर एक बार बात कर लेंगे। इसके बाद में जो संसदीय टर्म्स हैं उन्हें एक बार देख लेंगे कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, लेखा अनुदान क्या है, संचित निधि क्या है, लोक लेखा निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो शून्यकाल क्या होता है, इसके बाद में बजट क्या होता है, बजट पे मैं एक बार चर्चा कर लूंगा आपसे, प्रश्नकाल क्या होता है ये देख लेंगे। किसी भी अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्रस्तुत करने का प्रोविजन क्या है वो हम आपको देख लेंगे एक तरीके से, और भी जो बहुत सारे टर्म्स हैं उन्हें भी एक बार हम देखेंगे तो यकीनन हमारा पूरा का पूरा कार्यपालिका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इससे पहले कि आपने सेशंस को नहीं देखे हैं सो प्लीज़ आप उन सेशंस को भी जाके एक बार देख सकते हैं। ये पूरी पॉलिटी सेशन चलाई जा रही है, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एक एक डेटा आप तक डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा, ओके। आज का क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि इसमें सभी मंत्रियों की श्रेणियां जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं, इसमें एक मंत्री और भी होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो भी इन्हीं मंत्रिमंडल मतलब इन्हीं सारे मंत्रियों की एक श्रेणी होती है, उन सारे श्रेणियों में एक भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, वो क्या होते हैं अभी हम देख लेंगे, ठीक। कह रहा है या लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है, संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, परिवार के सदस्य या भी शामिल होते हैं। आपको सही ऑप्शन में टिक करना है, ठीक। आप अपने आंसर को सोचिए, आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं इससे कुछ रिलेटेड चीजें आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, ऑप्शन आपका पहला है कि इसमें मंत्री के सभी श्रेणियों में कैबिनेट, राज्य या उपमंत्री शामिल होते हैं, ठीक। मैं बात कर रहा हूं मंत्रिमंडल की। देखिए, दो चीजें हैं, एक चीजें आपको समझनी चाहिए, आप इसका ऑप्शन दीजिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसका ऑप्शन क्या बोला है, ठीक है। हर किसी का ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। एक आप देखेंगे, एक है मंत्रिमंडल, मंत्री, एक है मंत्रिमंडल और एक है मंत्री और एक है मंत्री परिषद, ठीक। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या है? देखिए, मंत्री परिषद में सारे सदस्य आ जाते हैं या सारे मंत्रियां आ जाते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की मैं बात करूं तो मंत्रिमंडल में आपके एक तरीके से देखा जाए तो कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि मंत्रिमंडल में कौन सा कथन सही है, तो मंत्रिमंडल में आपके सारे मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आप समझिएगा। इसके साथ ही में आप समझिए कि लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है, मतलब दो तरीके, एक अगर कोई संसद है तो उसकी दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से सारे लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं बात करूं संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का सीधा सा मतलब है कि कैबिनेट, ठीक, कुछ ऐसे समझिए कैबिनेट। और कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख किया गया है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया है, और ये वर्ड सिर्फ यूज तब किया गया था, आपने पढ़ा है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 की जब उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को अनुमोदन करना होता है, कितना, 2/3 के। लेकिन ये कहा गया है कि राष्ट्रपति
352 का लागू तब करेगा जब उसे किसका, जब उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त हो। सिर्फ अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगर मैं किचन कैबिनेट की बात करूं तो किचन कैबिनेट में ये एक बहुत ही छोटी सी संकल्पना होती है किचन कैबिनेट, जिसमें जैसे कि आपके घर में भी कुछ बहुत ही विश्वास पात्र लोग होते हैं जिससे आप अपने सारे काम काज को या सारे ऑर्गेनाइजर को डिस्कशन करते हैं। उसमें हो सकता है कि आपके बड़े भाई हों, माता जी हों, पिता जी हों, आपके मामा जी हों, मौसा जी हों, फूफा जी से वैसे भी किसी का रिश्ता बहुत अच्छा होता नहीं है, तो पता नहीं फूफा जी आपके किचन कैबिनेट में हो या ना हो। एक अगर थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है तो कह देता है शॉर्ट टर्म में कि यार घर में किचन कैबिनेट चल रही है या किचन कैबिनेट की बैठक चल रही है। मतलब उसमें बहुत ही खास लोग होते हैं और किसी बहुत ही जरूरी मुद्दों पे चर्चा किया जाता है, ठीक। सो वो होता है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में कोई भी हो सकता है, संविधान में ऐसा नहीं है कि नहीं बस सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, उपमंत्री होंगे या राज्य मंत्री होंगे, डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है। कोई मंत्री हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है, कोई गैर सदस्य हो सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति भी किचन कैबिनेट में हो, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई भरोसे पात्र हो, वो भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का कोई दोस्त या रिश्तेदार, नातेदार, वो भी किचन कैबिनेट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो आपका राइट ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए कि मैं अगर बात कर रहा हूं संसद की, तो इसमें बेसिकली राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में, ठीक। वहीं पे अगर राष्ट्रपति के पदावधि की उल्लेख किया गया है तो आर्टिकल 56 में किया गया है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में मैं बात करूं आर्टिकल 72 में, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। इसी के साथ मैं बात करूं आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सुझाव पर कार्य करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 74 क्लास 2, तो आर्टिकल 74 क्लास 2 कहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सुझाव या सलाह दिया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 74। अगर मैं वही बात करूं आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का उल्लेख किया गया है। उसमें से एक उल्लेख यही आता है कि वो व्यक्ति के तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ में कहा गया है कि अगर 60 दिन तक कोई भी व्यक्ति संसद में नहीं होता तो उसकी मतलब उसे निलंबित कर दिया जाएगा या वो अपनी सीट को रिक्त कर देगा। इसी के साथ में यह भी कहा गया है आर्टिकल 75 में ही कि मंत्रिमंडल का 15% ही सिर्फ आपके मंत्री हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में 15% होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कहता है, ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आर्टिकल 76 की, तो आर्टिकल 76 में आपका भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और इसके साथ ही मैं बात करूं आर्टिकल 78 की, तो आर्टिकल 78 संविधान में यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुला सकता है, वह यह जान सकता है कि मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है, किसी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो वह प्रधानमंत्री से ले सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आर्टिकल 78 कहता है, ठीक। इसी के साथ में मैं बात करूं आर्टिकल 78 में, तो आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसी के साथ मैं बात करूं राष्ट्रपति की 111 में राष्ट्रपति का वीटो और 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वहीं पे मैं बात करूं आर्टिकल 148 में, तो आर्टिकल 148 में कायदे का उल्लेख किया गया है। अगर मैं वहीं आर्टिकल 143 की बात करूं, तो आर्टिकल 43 में राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से किसी भी विषय पे नियम किसी भी विषय पर विधि सहायता ले सकता है, लेकिन इसके द्वारा दी गई सलाह सिर्फ सुझावकारी होगा, राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होगा। सो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुछ चीज़ें फैक्ट्स और हैं कि अगर मैं वही राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ ही में वह लोकसभा की योग्यता लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए योग्यता रखता हो, साथ ही में भारत का नागरिक हो, और इसी के साथ में कहा गया कि किसी भी प्रकार का वह दिवालिया या लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक, तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। मैं नहीं को हमेशा इसलिए अंडरलाइन करता हूं क्योंकि ये ह्यूमन एरर है कि आप नहीं को भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से नियुक्ति राष्ट्रपति, अब ये नहीं देखा कि है कि नहीं है, डजंट मैटर, बस पढ़ा उत्तर मारो। आपने का ने देखा पहला जो पहला ऑप्शन है आपका महान्यायवादी कैग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अंतरराज्य परिषद, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, अब आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है और किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखिए, भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं या जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पदमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति करता है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं महान्यायवादी की बात करूं तो आर्टिकल 76 और कैग की बात करूं तो आर्टिकल 148, मतलब ये दोनों संवैधानिक पद हैं, मतलब इनकी नियुक्ति तो करेगा। पहली चीज मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ कि किसकी नियुक्ति करता नहीं करता, कभी भी हो सकता यही ना पूछे, कुछ और पूछ ले तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये सीधा रखना है कि जितने संवैधानिक हैं उनकी नियुक्ति करेगा, अगर सांविधिक है तो नियुक्ति नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं तो आर्टिकल 324 करता है। मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग क्या कहीं मैं अगर बात करूं तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू किया गया, इसके माध्यम से ये इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब मानवाधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, और इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति नहीं करेगा। ठीक, पहली चीज। इसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल और उपराज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है, इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 280। इस समय प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो वित्त 15वां वित्त आयोग एनके सिंह है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे। प्रेजेंट टाइम पे 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह है, और एनके सिंह साहब ने जो रिकमेंडेशन दिया है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में कर का हस्तांतरण होगा वो 41% होगा, 14वें वित्त आयोग ने 42% कहा था, 1% कम किया गया है 15वें में, उसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के लिए रखा गया है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो इतनी चीज़ें हैं। इसके साथ में मैं बात करूँ अंतर्राज्य परिषद, आर्टिकल 267 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख किया गया है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 315 में। ठीक, ये 312 से स्टार्ट होता है, ये चीजें हैं। अभी देखिए, नियुक्त संघ लोक सेवा आयोग की तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। लेकिन हाँ, पदमुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये करता है नियुक्ति, और राष्ट्रपति करता है पदमुक्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब एक ये, अब आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा नियुक्ति नहीं करता है, तो एक है आपका 3, एक तो आपका 3 हो जाएगा और एक आपका 7 हो जाएगा, 3 और 7। ठीक, और अगर इनसे देखिए, मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी मैंने इन सब को
इससे अपने पहले दो लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। उन दोनों लेक्चर्स को आपने नहीं देखे हैं, आप जाके उन्हें उन पर विजिट करिए। पहला है संवैधानिक निकाय और दूसरा है सांविधिक निकाय, इन दोनों को आप देख लेंगे। ऑलरेडी जितना मैंने आपको बताया इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कशन कर रखा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सही विकल्प चुने, राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। पहली चीज, राष्ट्रपति लोकसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक, आपको सही विकल्प का चयन करना है। एक एक विकल्प पे हम बात करते हैं। आर्टिकल पहला आपका सही है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आपका आर्टिकल 79 कहता है। और 79 कहता है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला के सम्मिलित रूप से किया जाएगा, पहला चीज। वहीं पे मैं बात करूं आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 की, तो इसमें आपका राज्यसभा और इसमें आपका लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक, वहीं पे मैं बात करूं राष्ट्रपति लोक अच्छा सही विकल्प चुनना है, फिर तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया आपका, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम सबको देख लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपका गलत है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? टोटल 14। अगर मैं इन 14 की मैं बात करूं तो 14 में भी 12 आपके राज्यसभा और 2 आपके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीजें। लेकिन हालांकि अब ऐसा नहीं है, ये 2 लोग वो होते हैं जो ऑलरेडी अगर ये एंग्लो इंडियन थे, जिनका मनो अगर एक पर्याप्त मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकता था। आपका ये ऑप्शन तो गलत है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 5 नहीं 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे एक तिहाई सदस्य हटते हैं। वहीं पे मैं बात करूं अगर राष्ट्रपति धन विधेयक के विषय में, तो धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में किया गया है और संविधान संशोधन विधेयक का आर्टिकल 368 में किया गया है। इन दोनों के मैटर पर राष्ट्रपति वीटो पावर का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक की मैं बात करूं तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 में अगर गतिरोध की स्थिति होती है तो गतिरोध की स्थिति में वह विधेयक शून्य हो जाता है और राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। सो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सो आपका राइट ऑप्शन है ए, बाकी सारे के सारे गलत हैं। क्या सही है वो मैंने आपको बताया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। ठीक, अगर मैं सही विकल्प की बात करूं तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, दल बदल कानून के तहत सदस्य योग्य का निर्धारण करना, साथ ही साथ में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कहता है चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही नहीं है। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला, मैं बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूं। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और ये लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मैं थोड़ा सा धन विधेयक पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। हमारे भारतीय संविधान में धन विधेयक का उल्लेख भाग 5 आर्टिकल 110 में किया गया। मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बोल रहा हूं। भाग 5 में आर्टिकल 110 में उल्लेख किया गया है धन, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के मामले में ज्यादातर शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को सीमित शक्तियां दी गई हैं। अगर धन विधेयक पारित करके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास होल्ड रखता है तो वह सो मोटो पास माना जाता है। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा संशोधन के लिए अपने सुझाव दे सकती है, ये सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं कि वह संशोधन करे या ना करे, ये लोकसभा
सभा पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो राज्यसभा राष्ट्रपति सॉरी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी रीजन से कारण से धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक लेता है तो सीधा सा समझिए कि या तो सरकार गिरेगी या सरकार को हो सकता है कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना पड़े। ठीक है, सो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही में एक चीज और, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। मैं लिख रहा हूं सारे धन विधेयक, कुछ ऐसे समझिए, ये है धन विधेयक और ये बड़ा वाला है वित्त विधेयक। इतनी तो रीजनिंग आपको आती ही होगी कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक, अगर कभी कथन कारण में पूछे तो भी आप करने में सक्षम हो। पहला क्वेश्चन तो ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अगर मैं संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करूं तो हमारे भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और इसकी बात करूं तो आर्टिकल 110 में संयुक्त बैठक को आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सामान्यतः संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के मामले में देखा जाता है क्योंकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान, धन विधेयक में मुद्दा उठता ही नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है क्योंकि अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती तो विधेयक समाप्त माना जाएगा। दूसरी चीज, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दल बदल कानून के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना, बिल्कुल करता है। अगर मैं वहीं पे दल बदल की बात करूं तो दल बदल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आप एक है अनुसूची दसवीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है और दल बदल में यह बताया गया है कि अगर किसी भी पार्टी से 2/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो उनकी योग्यता मतलब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, ऑलरेडी वो क्वालिफाई रहेंगे और ये एक तरीके से मर्ज माना जाएगा। तो इसका भी निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अगर सदस्यों की क्वालिफिकेशंस को लेकर है, योग्यता का निर्धारण को लेकर के है तो वह राष्ट्रपति करता है। किसके सुझाव पर? निर्वाचन आयोग के सुझाव पर। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर होते कौन है? प्रोटेम स्पीकर बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनिंदा का मेन काम होता है कि नई लोकसभा के अध्यक्ष का चयन कराना और जब नया लोकसभा अध्यक्ष अपना सीट ले लेता है, पद ग्रहण कर लेता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। सो ये चीजें आपका राइट ऑप्शन है डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विपक्ष नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक, दूसरा कहता है 1969 में पहली बार विपक्ष नेता लोकसभा में राम सुभाष सिंह और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया। 1997 में विपक्ष नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया। ये तीनों फैक्ट सही हैं। ये फैक्ट मैं आप तक डिलीवर करना चाहता था जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। ये भी आपको पता है, ये आपको नहीं पता होगा तो अब पता हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको नहीं पता होगा तो अब पता हो गया। सो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए नए थे और ये पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए पुराना ही रहा होगा। इसका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, देखिए जहां पे समझाने लायक है वहां पे मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, जहां मुझे लगता है बढ़ना चाहिए वहां पे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक, लोकसभा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक समाप्त हो जाता है? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बाद में समझाता हूँ। लोकसभा में पारित, लोकसभा में लंबित, पारित या राज्यसभा में लंबित, राज्यसभा में शुरू, लंबित या पारित, राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया कोई विधेयक या दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के संयुक्त बैठक अगर आहूत की गई है तो। देखिए बहुत से लोगों को शायद ये क्वेश्चन समझ में ना आए। ये क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी विधेयक है कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है और वो पासिंग की प्रोसेस से चल रहा है, तो अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो लोकसभा के विघटन से उन प्रस्ताव या विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पड़ने वाले प्रभाव के बारे में यह क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। सीधा सा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक लाइन समझिए, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। कोई भी अथेंटिक बुक पढ़ेंगे कन्फ्यूजन होंगे। सीधा सा समझिए, अगर लोकसभा के विघटन से उन्हीं विधेयक पे फर्क पड़ेगा जो या तो लोकसभा से पारित हैं या लोकसभा में लंबित हैं या लोकसभा में सभी शुरू किए गए हैं,
अगर ऐसा कोई विधेयक है तो वह समाप्त होगा, बाकी कोई विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए। अगर राज्यसभा में है, शुरू है, लंबित है, तो भी समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कोई विधेयक, तो भी समाप्त नहीं होगा। इस विषय में क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस विषय में यह होता है कि राष्ट्रपति बाद में जब नई कोई मतलब पार्टी आती है, तो वो राष्ट्रपति को ऑलरेडी वीटो पावर का उल्लेख यूज करने के लिए कहती हैं, और वीटो पावर के माध्यम से राष्ट्रपति उसे अपने पास रखे रह जाता है, अपनी राय सुरक्षित कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, सो वो विधेयक नियमता समाप्त नहीं होता। ठीक, इसी के साथ में दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ है कि अगर दोनों सदनों से पारित हो चुकी है और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक आहूत की है, तो लोकसभा के विघटन से उस विधेयक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, ये समाप्त होता है, बाकी कोई भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। ठीक है, यह है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। अगर मैं उद्देश्य प्रस्ताव की बात करूं तो उद्देशिका को ही जब हम उसे लागू किया गया तो उसे उद्देश्य प्रेजेंट किया गया तो उसे उद्देश्य प्रस्ताव किया कहा गया, और जब उसे लागू कर दिया गया तो उसे भारतीय संविधान में उद्देशिका के नाम से जाना गया। ठीक, अगर थोड़ी देर के लिए मैं उद्देशिका पे नजर डालूं तो उद्देशिका आपकी कहती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उद्देशिका कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्र सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये उद्देशिका थी। उद्देशिका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको उद्देशिका प्रॉपर सही से नहीं पता है तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर समानता पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के समानता का उल्लेख है तो आप नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, आप नहीं कर पाएंगे। लास्ट में एक तारीख आपको बताई गई 26 नवंबर 1949, वो तारीख आपको याद होनी चाहिए। ठीक, सो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो उद्देश्य का आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, इसी के साथ में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, ये आपको पता है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 तारीख को जब भी बैठक हुई हमारी संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जब बैठक हुई 11 तारीख को, तो 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एच सी मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया, और इसी के साथ आप देखेंगे तो संवैधानिक सलाहकार बी एन राव साहब को बनाया गया। ठीक, ये चीजें आप देखिएगा, ये हुआ। यहां पे अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अगर मैं वहीं पर कब प्रस्तुत किया गया, आपका आंसर है 13 दिसंबर 1946, और 26 नवंबर 1949 क्या है, जब आपका पूरे संविधान को लागू किया जाता है तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुसूचियों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक,
यहीं पे अगर मैं उद्देशिका से रिलेटेड कुछ और चीजों पर आपका ध्यान केंद्रित करूं तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये एक विचारणीय मुद्दा है। उद्देशिका में केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में ही मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। अगर मैं इससे पहले बात करूं बेरुबारीवाद में, बेरुबारीवाद में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी के बाद ही 42वें अगर आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन में अभी तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगर मैं उद्देशिका की बात करूं तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उद्देशिका में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं जैसा कि मैंने अभी उद्देशिका जब पढ़ा था या मैंने आपको बोला था, तो उद्देशिका में तीन प्रकार का न्याय कौन कौन सा है मैं ऊपर लिखता हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक, यहां पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, सॉरी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगर मैं समानता की बात करूं तो दो प्रकार की समानता, समानता है दो प्रकार की समानता, और अगर मैं वही बात करूं तो स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है, अगर आप स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता में कहा गया है विश्वास, विचार, धर्म, अव्यक्ति और उपासना, इन पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे कैसे कैसे क्या अगर पूछा जाए तो इजिली आप उन्हें करने में सक्षम हो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है मोरारजी समिति यानी मोरारजी देसाई समिति, विजय केलकर समिति, विवेक देव राय समिति और स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, अगर मैं मोरारजी समिति की बात करूं तो 1966 की मैं बात करूं तो जब मोरारजी देसाई साहब थे तो आपको पता होगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जब लाया गया तो उसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई साहब कर रहे थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई साहब क्या पीएम बनते हैं, उनका इलेक्शन होता है, इलेक्ट होने के बाद में जो प्रशासनिक सुधार आयोग थे उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो के हनुमंत अय्या साहब करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कमीशन इससे खेल चुका है। ठीक, अगर मैं वहीं पे विजय केलकर की बात करूं तो ऑलरेडी विजय केलकर साहब की अगर मैं बात करूं तो 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो यशवंत सिन्हा साहब थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रेगुलेट करने के लिए यशवंत सिन्हा साहब को कहा था कि आप इस पे अपनी राय व्यक्त करें, और यशवंत सिन्हा साहब ने विजय केलकर समिति का गठन किया था, और विजय केलकर समिति के गठन के सुझाव पे ही आगे चल के जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। 2002 और 3 की यह बात है। ठीक, हमने जीएसटी में ऑलरेडी देखा है कि 101वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2017 में। जो भारत का जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पे है, और सबसे पहले विश्व में लागू करने वाला जो जीएसटी है वो फ्रांस है। भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम, सबसे लास्ट में लागू करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279 क्लॉज ए में किया गया है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ में इसमें 33 मेंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं 28 राज्यों से हैं, तीन आपके यूटी से हैं, एक आपके वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, कोरम के लिए 50% और वोटिंग के लिए 3/4 मेंबर होने चाहिए। अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो 05, 12, 18 और 28 का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अगर मैं वहीं पे विवेक देवराय समिति की बात करूं तो 2016-17 में आपको पता होगा कि 2016-17 के बजट में कुछ चेंजिंग्स किए गए, और चेंजिंग्स ये किया गया कि उसमें जो पहला चेंजिंग किया गया था नियोजित गैर नियोजित व्यय को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही नियोजित और गैर नियोजित व्यय को समाप्त करके पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया।
इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो आम बजट का रेल बजट में विलय कर दिया गया। आम बजट का रेल बजट में जो विलय किया गया विवेक देवराय समिति के सुझाव पर किया गया है। 1921 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश में 1924 में रेल बजट को और आम बजट को अलग किया गया था और 2017 के बजट में रेल बजट और आम बजट को विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे मर्ज किया गया है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं स्वर्ण सिंह समिति की तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हमारे मूल संविधान में अगर मैं बात करूं मूल संविधान की तो मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य आई मीन फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 का आर्टिकल 51 का में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। अगर मैं बात करूं वही 86वें संविधान संशोधन 2002 में तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया। इसी के साथ में 86वें से ही अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो कि फंडामेंटल राइट शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसी के साथ ही मैं अगर बात करूं आर्टिकल 45 की तो आर्टिकल 45 DPSP में भी शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल अगर मैं 76 की बात करूं तो फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और DPSP में भी संशोधन आपको देखने को मिलता है। सो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसी के साथ में बात करूं भाग 4 का और एक आर्टिकल 51 का। इसी के साथ में अगर 11वें की बात करूं 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, इतना आप जानिए, यकीन मानिए कि वनडे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप UPSC दे रहे हैं या फिर PCS की भी मैं बात उतना नहीं कर रहा हूं, अगर आप UPSC दे रहे हैं तो एक बार आप उन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को आप देख सकते हैं क्योंकि UPSC उनके दाएं बाएं खेलती है। यहां तक हमने अपना देख लिया है कि मौलिक कर्तव्य के से रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसे हमने कवर कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति स्वविवेक से कर सकता है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर या राज्यपाल के आग्रह पर कर सकता है। ठीक, अगर मैं राष्ट्रीय आपात की बात करूं तो हमारे संविधान में जो आपात उपबंध है, आपात अगर मैं आपात उपबंध की बात करूं तो आपात उपबंध भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं राष्ट्रीय आपात की बात करूं तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात का मैं बात करूं तो हमारे संविधान में 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। इसके लिए कहा गया है कि कैबिनेट की और पूरे संविधान में पहली बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन में। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण देश में या किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित यौम मत का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और एक बार पारित होने पे ये 6 माह के लिए लागू होता है और पुनः इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, ये चीजें आप ध्यान देंगे। लेकिन सबसे खास बात यहां पर यह है कि राष्ट्रपति शासन को कभी भी 3 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। 3 साल से ज्यादा, सॉरी, मतलब यह है कि आप राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से ज्यादा तभी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी एक नई उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपात को वापस ले सकता है। साथ ही साथ में अगर लोकसभा अपने 1/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात में आप देखेंगे कि जो हमारा संघात्मक ढांचा, सॉरी, हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है और राज्य सूची की जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों पर केंद्र का सामान्यता अधिकार जो होता है वो स्थापित हो जाता है और राज्य सूची के विषय में संसद कानून, नियम कानून पारित कर सकती है। सो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति शासन का संबंध है आर्टिकल 356, आर्टिकल 76, आर्टिकल 169, आर्टिकल 123। अगर यहीं पे मैं आर्टिकल 123 की बात करूं तो आर्टिकल 123 आपका अध्यादेश है, आई मीन राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। अध्यादेश कहते किसे हैं, जब संसद की सत्र न चल रहा हो और किसी ऐसे अति आवश्यक बिंदु या विषय पर कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश की वही शक्तियां होती हैं जो एक संसद द्वारा पारित किसी विधेयक या अधिनियम की होती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे प्रकार के अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या आर्टिकल 13(2) में हनन करता हो। इसके साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं मूल ढांचे के खिलाफ हो, इन दोनों के खिलाफ है तो राष्ट्रपति ऐसे विषय पे अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के अध्यादेश की तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की मैं बात करूं तो आर्टिकल 32, इसके साथ में आर्टिकल 122 और आर्टिकल 126 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक, आई मीन मैं बात करूं आर्टिकल 226 की तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आर्टिकल 169 की तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद क्या है जब हम संसद देखेंगे तो वहां पे देख लेंगे, बट आर्टिकल 169 में यह कहा गया है कि जो आपकी विधानसभा है संसद को एक प्रस्ताव पारित करती है, प्रस्ताव पारित करने के बाद में आप देखेंगे कि संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से विधान परिषद का को बना भी सकती है और उसका समाप्ति भी कर सकती है। अगर मैं आर्टिकल 76 की बात करूं तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर मैं आर्टिकल 356 की बात करूं तो राष्ट्रपति शासन कहते किसको है, जब किसी राज्य की सत्ता संविधान सम्मत न चलाई जा सके या नियम कानून कायदों के मुताबिक न चले तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है और राज्य सूची के विषय पे संसद नियम कानून बना सकती है और संसद नियम कानून जो बनाती है वो आर्टिकल 312 के, अगर जो मैं बात करूं राज्यसभा को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 249 और 312 में राज्यसभा को विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर वहीं पे मैं बात करूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा कब करता है, जब राज्य की सत्ता संविधान सम्मत ना चलाई जा रही हो तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन घोषणा कर सकता है और 60 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साधारण बहुमत से अनुमोदन करना पड़ता है। ठीक, और एक बार अगर अनुमोदन कर दिया जाए तो यह 6 माह के लिए लागू होता है और 6 माह के दोबारा लागू 6 माह के बाद फिर अनुमोदन किया जाए तो इसे 1 साल के लिए लागू किया जा सकता है।
मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से ज्यादा लागू नहीं किया जा सकता है, और 3 वर्ष से ज्यादा सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है, उस एरिया में अगर आर्टिकल 352 लागू हो, और या तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में अगर ये कहे कि अभी इस एरिया में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर हमें इसकी समापन पे बात करूं तो राष्ट्रपति कभी भी अपने उद्घोषणा को वापस ले सकता है। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वित्तीय आपात वर्तमान में अब तक कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार, 108 बार, 9 बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर मैं वित्तीय आपात की बात करूं तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख है हमारे संविधान में आर्टिकल 360 में किया गया है, और 360 की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है जब भारत की साख खतरे में हो या वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। इन दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति आर्टिकल 360 को लागू कर सकता है, और राष्ट्रपति के लागू करने के 60 दिन के भीतर, मतलब 2 माह के भीतर, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को साधारण बहुमत से अनुमोदन करना होता है। अगर ये दोनों उपस्थित मत का 1/3 बहुमत से अनुमोदन कर दें तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाता है, और यह तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति अपनी नई उद्घोषणा के माध्यम से अपनी उसी उद्घोषणा को वापस ना ले ले। ठीक, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर है वो है डी। अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 बार अभी तक जो उल्लेख हुआ है राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही एक चीज मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 352 के लागू होते ही आर्टिकल 358 भी लागू होता है, और इसके तहत आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 359 लागू है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 359 को लागू करता है, और जब 359 को लागू करता है तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं ये सारे समाप्त होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों समाप्त नहीं होते हैं। तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज की हमने इन सारे सेशन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आएगा। अगर इससे पहले आपने भी पॉलिटी के सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटी में सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप एक बार पॉलिटी के MCQs उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप पॉलिटी कितना जानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ देखने में लगता है कि पॉलिटी बहुत हल्का विषय है, लेकिन यहाँ पे गलत होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब भी आप मॉक करते हैं ना तो वहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत की संचित निधि, तो आप संचित निधि और लोक लेखा निधि में आप कन्फ्यूज होते हैं। साथ ही मैं बात करूँ आकस्मिक निधि की, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आकस्मिक निधि किसके माध्यम से यूज किया जाता है, और किस मतों को संचित निधि में रखा जाता है, और किन मतों को लोक लेखा निधि में यूज किया जाता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको यह भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लेखा अनुदान क्या है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो वित्त विधेयक क्या होता है, प्रश्नकाल शून्यकाल में कन्फ्यूजन होता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं राज्य के बजट की, तो खासकर आप केंद्र का तो पढ़ते ही हैं, लेकिन राज्य पे आपको उतना फोकस नहीं जाता है। सो आप पॉलिटी को भी उतना ध्यान दीजिए जितना आप अन्य विषयों को भी पढ़ते हैं। किसी भी विषय को हल्के में अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए हानिकारक ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। सो कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।